बड़वानी जिले के सिलावत के समीप पांच पुला दक्षिण फाटे के पास अवैया फलिये में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ पेड़ से छलांग लगाकर भागा। वहीं मौके पर खड़ी वन विभाग और पुलिस की टीम भी तेंदुए के पीछे भागी। वहीं लोगों की भीड़ भी तेंदुए के पीछे भागी। तेंदुआ वहीं रायचुली क्षेत्र की ओर खेतों में भागा। वहीं तेंदुए के पीछे वन विभाग की रेस्क्यू टीम लगी हुई है। क्या नाम है आपका? सलीम मंसूरी, उप सरपंच ग्राम पंचायत सिलावत। क्यों अभी क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि रात से एक तेंदुआ एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसके लिए रेवेन्यू विभाग से, पुलिस विभाग से, वन विभाग द्वारा एवं ग्राम पंचायत सिलावत की तरफ से पूरी कोशिश की गई आम जनता को बचाने के लिए, क्योंकि सब पर खतरा मंडरा रहा था, आसपास लोगों का निवास स्थान था। फिर क्या करा आप लोग? चारों तरफ से पुलिस ने घेरा डाल के रखा था पब्लिक को बचाने के लिए। अभी क्या हुआ फिर? तेंदुआ क्या हुआ? आखिरी में तेंदुआ झाड़ पे से कूद कर रायचुली के रुख तरफ भागा गया। पीछे वन विभाग और पुलिस टीम भी भागी। वन विभाग, पुलिस टीम और बाकी गांव की जो जनता है वो भी उसके पीछे भाग रही है। अब देखो कहाँ तक कामयाबी मिलती है। क्या नाम है आपका? मेरा गजेंद्र सिंह बामनिया। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? बड़वानी में पोस्टिंग है। बड़वानी वन विभाग में। ये यहाँ भीड़ क्यों है, क्यों आप आए हुए? यहाँ हमें तेंदुआ के होने की सूचना मिली तो एक पेड़ पे चढ़ा। हाँ फिर यहाँ हम लोग आके देखे तो एक उधर का पेड़ है। अच्छा अच्छा। उस पर एक तेंदुआ जो है, तेंदुआ मतलब फुल साइज का नहीं बोल सकते, मीडियम साइज का। बड़वानी जिला मुख्यालय के समीप भीलखेड़ा में एडीएम श्री धनश्याम धनगर और उनकी टीम के द्वारा दी गई दबिश। दबिश में भारी मात्रा में अवैध बालू रेत की गई है जब्त। करीब 100 ट्राली अवैध बालू रेत की है एडीएम घनश्याम धनगर के नेतृत्व में जब्त। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।